नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा के अलीपुर स्थित सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की शासकीय भूमि पर कई वर्षों से गरीब परिवार रह रहे थे। आज नगरपालिका आष्टा के सहयोग से इन गरीबों के घरों को जमी दोज कर दिया गया। आखिर कहां जाएं अब, जब एक ओर खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर रहने का मकान भी तोड़ दिया गया। अब क्या कहीं और इन गरीबों को रहने के लिए जगह मिल पाएगी या दर दर भटकने को मजबूर होंगे ये लाचार गरीब। अलीपुर स्थित सहकारी दुग्ध संघ की शासकीय भूमि से जहाँ इन गरीबों के आशियानों को पलक झपकते अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया है, ऐसे में इन गरीबों की पीड़ा समझने लायक किस हालत में इस आग उगलती धूप में खुले में यह गरीब कैसे रहेंगे। क्या इनको इस शासकीय भूमि से हटाने से पहले कोई अन्य वैकल्पिक स्थान खोजा गया है। अब यह गरीब लोग बेसहारा हो गए हैं। इन परिवारों से जब हमने चर्चा की तो इन्होंने बताया कि कई वर्षों से हम यहां पर रह रहे थे और आज हमारे घरों को तोड़ दिया गया है। इस हालत में अब हम कहां जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे इस खुले आसमान में रहेंगे। अब हम घर टूटने पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रसूखदारों के अतिक्रमण पर अधिकारियों की नहीं पहुंचती नजर। आष्टा नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तमाम ऐसे अतिक्रमण हैं जिन पर शायद SDM और CMO समेत अतिक्रमण अभियान में शामिल अधिकारियों की नजर तक नहीं पहुँच पाती है। बस कार्यवाही के नाम पर हमेशा गरीबों के अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी अपने तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी मुंह मोड़ते नजर आए। जब हमने अलीपुर स्थित दुग्ध संघ की शासकीय भूमि से इन गरीबों को हटाए अतिक्रमण पर जानकारी चाही तो SDM और CMO ने कहा कि दुग्ध संघ की जगह थी, उन्होंने आवेदन दिया था, हमने सिर्फ अपने अमले को पहुंचाया था। तोड़ दिए? कब से रह रहे हैं? कब कहाँ रहोगे? तो कैसे रहोगे? तो सब तोड़ दिया, छत भी तो नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? आए रह गए, आए चुपकी बनाए पीछे। कैसे रहेंगे भी तुम्हारे बच्चे होन? कैसे रहेंगे? तेरे वाले से वो करना पड़ेगा हमको। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।